तो खम अगर दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे और आज अपन इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। अपना मेन फोकस रहेगा इस गाड़ी की प्राइस से रिलेटेड, कितने की आ रही है और क्या इस गाड़ी का हिसाब किताब रहने वाला है। ये डेल्टा प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में फ्रंट से जो है कुछ ऐसे DRLs आते हैं जो विटारा में आते हैं और ये 3 port लाइट आती है। एक बार लाइट ऑन भी कर लेते हैं कैसे आती है। ये लाइट कुछ ऐसी दिखती है और हाई बीम करने के बाद में कुछ ऐसी इसकी लाइट है, तो बहुत ही बढ़िया लग रही है गाड़ी देखने में। गाड़ी के अंदर देखो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। अब इसमें मिलता क्या है तो देखो, इंजन में जो है 4 cylinder इंजन है और यहाँ पे वाटर के लिए आ गया जो कि काफ़ी बड़ा दिया गया है, बाकी स्पेस काफ़ी दिया है इंजन के अंदर यहाँ पे इस तरीके से। और जो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है ये। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो है ना बीडिंग दी गई है। ये बीडिंग क्या काम करेगी कि थोड़ी सी जो है आवाज़ वगैरह बाहर नहीं आने देगी। वैसे ही इंजन बहुत साइलेंट है, इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पे भी गाड़ी का जो है आवाज़ आवाज़ बाहर आने के लिए इंजन वगैरह की, तो उसका काफ़ी मारुति ने अच्छे से ध्यान रखा गया है। और ना ये भी मारुति की और गाड़ियों के कंपैरिजन में काफ़ी हैवी दिया गया है, तो आवाज़ से भी आपको एक बार फील आ रहा होगा। तो टायर साइज़ की बात करूँ ना तो देखो 195/60-16 inch के ये वाले अलॉय व्हील्स आते हैं और जो ORVM है ये फोल्डेबल आते हैं इसके, ऑटो फोल्डेबल। अंदर क्या मिलता है, पहली बार ना मुझे मारुति सुजुकी की किसी गाड़ी का दरवाजा खोल के थोड़ा फील आया कि हाँ थोड़ा हैवी दरवाजा है। तो देखो डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर क्या है कि जैसे प्लास्टिक मटेरियल है और इस तरफ जो है ये सारे विंडोज़ के कंट्रोल हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कार का इंजन बंद हो जाता है उसके लिए सिस्टम्स दिए गए हैं। इंटीरियर कुछ ऐसा आएगा और गाड़ी में जो है एयरबैग्स वगैरह सब प्लास्टिक का मटेरियल दिया गया है, ये भी इवन प्लास्टिक ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। और इस तरफ जो है अब इसमें जो है ये 7 inch का टच स्क्रीन है। एक बार इसको ऑन करते हैं अपन, तो यहाँ पे ये फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है कि गाड़ी 8.4 का माइलेज दे रही है। ये FM से रिलेटेड चीज़ें हो गई और इसके बाद में बैक कहाँ से होगा वहाँ पे जाते हैं और बाकी फिर यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे आप माइक कमांड देना हो, तो वो माइक कमांड यहाँ पे दे सकते हैं आपकी, आपको कोई कमांड देनी हो तो। और इसके बाद में ये म्यूजिक से रिलेटेड कनेक्टिविटी सारी चीज़ें दे दी और इस तरफ फोन आपका कनेक्ट है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आ गई, तो ये म्यूजिक सिस्टम आता है। तो यहाँ पे हैजार्ड लैंप है, AC के इवेंट्स दिए गए हैं। ये थोड़ा कार्बन फाइबर की सी फील देता है बट है नहीं एक्चुअल में ये। और यहाँ पे AC का छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है क्योंकि इसके अंदर देखो ऑटो AC आता है। अब डेल्टा प्लस में ऑटो AC मिल जाएगा और ये AC से फैन रिलेटेड आपको कितना टेम्परेचर करना है वो सब चीज़ें दी गई हैं। देन नीचे की तरफ जो है एक USB है, एयर एक 12 volt का सॉकेट है, यहाँ भी फ्लैट है एकदम और यहाँ पे 2 cup holder दिए गए हैं। देन ये वाला जो वेरिएंट है मेरे पास में ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो इस ऑटोमेटिक वेरिएंट में यहाँ पे गियर वगैरह दे दिए गए हैं। और इस तरफ जो है ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे आप जो अपना मोबाइल खड़ा कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे कोई स्लाइडर वाला फील दिया नहीं है। इधर ये प्लास्टिक मटेरियल है, इधर भी ये प्लास्टिक हार्ड मटेरियल है, ये थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा दिया गया है, एकदम बेसिक सा कपड़ा है, इसमें कुछ खास ऐसे फीचर्स हैं नहीं या कोई खास क्वालिटी अच्छी है नहीं, बाकी ये कूल बॉक्स या ग्लव बॉक्स यहाँ पे दे दिया गया है। सीट पर जो है फैब्रिक है, सीट की कुशनिंग अच्छी है और ये जो थाई सपोर्ट वगैरह है या साइड का सपोर्ट है, लंबाड़ लुम्बाड़ सपोर्ट जो भी होता है वो सब इसके अंदर अच्छा ही मिलेगा। मेरी हाइट है 5'11" की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सीट को एडजस्ट कर लिया है और अब एक बार अपन रियर में जाके देखते हैं कि क्योंकि गाड़ी बनी तो बलिनो पी है, स्पेस कितना आता है। तो देखो अंदर आने के बाद में स्पेस खूब मिल रहा है मुझे, इतना स्पेस है कि एक बिलांद के आसपास का स्पेस मुझे मिल रहा है। तो देखो स्पेस की कोई कमी है नहीं गाड़ी में। और इस तरफ जो है यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सॉकेट है और ये चीज़ें गाड़ी में दी गई हैं, यहाँ पे भी आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। हाई सपोर्ट डिसेंट है और यहाँ पे तीनों एडजस्टेबल इसके अंदर मिल जाएंगे आपको गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसा इसके अंदर दिया गया, छोटा सा एक यहाँ पे भी ये दिया गया है, कांच लगाया हुआ है, स्पीकर्स वगैरह के लिए इवेंट वहाँ पे दिया गया है। और अब चलते हैं एक बार इसके बैक जो है बूट में, बूट जो है ओपन कर लेते हैं। 308 liter का है, काफ़ी डीप है और कुछ ऐसा बूट मिलेगा। और इस तरफ जो है यहाँ पे आपका टायर रखा हुआ है, तो बेसिक है और सारी चीज़ें जो हैं अभी जिसमें लगाई हुई नहीं है क्योंकि एकदम फ्रेश न्यू कार है, बट यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो ऐसा कुछ बूट है, यहाँ पे हुक दे दिए गए हैं और इस तरफ भी हुक दे दिए गए हैं,
ये जो है सीट जो है आप 60-40 में फोल्ड हो जाएंगी, तो कुछ ऐसी जो है इसका बूट है। और नहीं, गाड़ी ऐसे देखने में ना काफ़ी एरोडायनेमिक फील देती है, क्योंकि इधर से देखोगे ना तो देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कर्व सा दिया गया, तो उसकी वजह से एरोडायनेमिक वाली फील भी आएगी इस गाड़ी के साथ में। गाड़ी में रियर कैमरा वगैरह आता नहीं है इस वाले वेरिएंट में, जेटा से शुरू होता है। तो अब जो है गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया लेनी है तो इसका डाउन पेमेंट, ईएमआई वगैरह, जो पैसे वाली चीज़ें हैं ना उनके बारे में अपन एक बार अब डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फ्रोंक्स का ये डेल्टा 1.2 लीटर एजीएस वाला वेरिएंट है। इसकी एक्सशोरूम प्राइस जयपुर में 9,27,790 रुपये है और ऑन रोड राजस्थान में 11,25,187 रुपये है। डाउन पेमेंट यहाँ पे मैंने 2,52,977 रुपये लिया है, तो लोन अमाउंट आता है 9,00,000 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैं 9% की लेके चल रहा हूँ। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 780 के आसपास है, तो 8.55 का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अब 3 साल के लिए आप ईएमआई करवाते हैं तो 28,619 रुपए की ईएमआई आती है और 1,30,311 रुपए का इंटरेस्ट लगता है। 5 साल के लिए ईएमआई करवाते हैं तो 18,682 रुपए की ईएमआई आती है और 2,20,951 रुपए का इंटरेस्ट लगता है। और 7 साल के लिए ईएमआई करवाते हैं तो 14,480 रुपए की ईएमआई आती है और 3,16,334 रुपए इंटरेस्ट लगता है। और अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन लेना है तो वो इससे लगभग 65,000 रुपए सस्ती है, जिसकी डिटेल्स भी मैंने आगे दी हुई हैं। उस कार में फीचर सेम होंगे, ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। उस कार की 8,72,790 एक्सशोरूम प्राइस है और 10,60,686 रुपए ऑन रोड प्राइस आती है। और आगे की डिटेल मैंने दी हुई है, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। और बुकिंग, वेटिंग और किसी भी तरह की अन्य जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। सो फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में।